नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाती हुई नजर आ रही है। सीएम फ्लाइंग को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज सीएम फ्लाइंग की टीम और पुलिस टीम ने महेंद्रगढ़ के नारनौल बस स्टैंड पर छापेमारी की, जिस दौरान उन्हें पंजाब रोडवेज की बस से 2 किलो 900 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुए। पंजाब रोडवेज की ये बस संगरूर से अजमेर रूट की है। पुलिस को गुप्त सूत्रों के आधार पर सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में इंस्पेक्टर सूबे सिंह का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रिवाड़ी के डीएसपी साहब दिनेश कुमार जी को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि पंजाब रोडवेज जो अजमेर की तरफ से नारनौल होते हुए संगरूर जाएगी, उसमें उसके जो ना ड्राइवर के पास कोई मादक पदार्थ है, तो डीएसपी साहब के निर्देश अनुसार मैं अपनी टीम को लेकर नारनौल पहुंचा था और मैंने स्थानीय पुलिस चौकी महावीर चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर युद्धवीर को सूचना दी। इस संबंध में युद्धवीर सब इंस्पेक्टर ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री विजय गोद को साथ लेकर हमारे साथ हमने तीनों ने जो ना पंजाब की इस बस को चेक किया, जो चेक करने पर ड्राइवर के पास उसकी सीट के पास मादक पदार्थ डोडा पोस्ट बरामद हुआ, जिसका इलेक्ट्रिक कांटे से वजन किया 2 किलो 90 ग्राम हुआ। जो ये मादक पदार्थ थे, इस बस के ड्राइवर गुलाब सिंह ने बतलाया कि भाई उसने ये किसी अपने नॉन व्यक्ति से पावटा से खरीद किया था। इस संबंध में स्थानीय पुलिस के उपनिरीक्षक युद्धवीर द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकता दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि सीएम फ्लाइंग के डीएसपी को गुप्त सूत्रों के आधार पर सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने बस को चेक किया तो बस में ड्राइवर के पास मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।